माननीय डॉक्टर साहब, समस्त हमारे क्षेत्र के आए हुए महानुभाव, हम सब आपको बहुत बहुत भाई का समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली बिल फ्री करने का ऐलान किया है। सूत्रों से जानकारी मिली है बिजली से संबंधित कुछ बड़ी घोषणा की जा सकती है बीजेपी द्वारा। अच्छा सर, जो आपने पार्टी में गुड़ सीखे वही दाव खेल है, क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुदंदी समय है और जो नीचे करो जो आपकी पार्टी से गुड़ सीखे सब कुछ आप पे ही दाव चल रहे हैं आज कल? हमारी पार्टी को सीखा होता है तो उन्हें भागने नहीं पड़ता। हमारी पार्टी तो हमेशा जनता के विकास का काम। बीजेपी के कुछ नेता हैं जो लगातार मैनपुरी में जनसभाएं कर रहे हैं, उन्होंने अभी बीच में इसमें चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री की, उन्होंने बयान दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो रमजान के सहारा बनेगा और वहीं पाकिस्तान खुश होगा। दिल्ली नोचे क्या कहें, अब जब उन्हें कुछ नहीं पूछा जा रहा है, जनता जाकर भिड़ रही है तो क्या कहेंगे? बीजेपी का कैंडिडेट से कुछ नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार मंच से ये कह रहे हैं कि नेताजी यहाँ से सांसद होकर जीते दोबारा नहीं आए, अगले जीत जाएंगे वो भी लौट कर नहीं आएंगे, तो वोट ना करें हम। नेताजी दोबारा क्यों नहीं आएंगे, तब की चुनाव दोबारा नहीं लड़ेंगे, पहले भी रहे रक्षा मंत्री भी रहे तब यहाँ नहीं। उनका आरोप ये कि नामांकन के बाद दोबारा नहीं आए, ऐसे कहेगा यहाँ तो 24 घंटा हम लोग रहते हैं। हम ये वो लोग कहें जहाँ से वो भी रहे पहले आजमगढ़ वाले, वो तो ये कह सकते वो कभी नहीं कहते, जहाँ रहते हैं वहाँ वाले लोग कहें तो कौन मान लेंगे। प्रोफेसर साहब, AIM के अवेशी जी पे अभी देखा होगा आपने, हमला हुआ था उनका, वो हमला करने वाले हिंदूवादी संगठन से जुड़े तार पाए गए आने वाले हिंदी का ये नहीं है, मैं तो ऐसा है हम नहीं, जो वर्तमान में हालात पैदा हो रहे हैं हिंदूवादी हालात नहीं पैदा हो रहे हैं यार, कहाँ पैदा हो रहे हैं तुम्हें कमेंट ये देख रहा है? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदूवादी संगठन का कहीं नहीं, क्यों आप कहीं बात बात कह रहे हैं? आप फिर से किसने भेजेगा, किस चैनल के आप कितनी सीटें आ रही हैं समाजवादी पार्टी की? सारी सीटें आ रही हैं, ये बताइए बीजेपी कितनी आ रही है? अच्छा सर, जनपद में जो पहले जो इतिहास दोहराया गया था वही, या एक सीट जो निकल गई थी वो भी वापस जीत रहे हैं भाई?